उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती सीमांत क्षेत्र में बसा एक छोटा गांव, जहां ग्रामीणों को अपने गांव जाने के लिए प्रशासन द्वारा परमिशन लेना पड़ता है। इस गांव का नाम है नेलांग व जादोंग गांव। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस गांव के ग्रामीणों को नेलांग व जादोंग गांव से सुरक्षा की दृष्टि से इन ग्रामीणों को इनके गाँव से हटा दिया गया था। अभी तक इन ग्रामीणों को इनके पुस्तैनी गाँव में नहीं भेजा गया। ग्रामीण अपने गांव को फिर से बसाने के लिए प्रशासन से कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। 1962 की युद्ध को अब लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। अभी भी इन ग्रामीणों को अपने पुस्तैनी घर जाने पर रोक लगी हुई है। ये ग्रामीण हर साल 2 जून को नेलांग व जादोंग अपने गांव अपनी देवी देवताओं को पूजने के लिए जाते हैं। देवी देवताओं को पूजने के लिए अपने गांव जाने के लिए उत्तरकाशी प्रशासन से परमिशन लेकर जाना पड़ता है। अब इन ग्रामीणों की मांग है कि इन्हें अपना गांव नेलांग व जादोंग प्रशासन इन्हें सौंप दे। इनके गांव में भारतीय सेना का अभी तक अधिकार है। इस संबंध में इन ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इन ग्रामीणों की प्रधानमंत्री से अपील है, सेना ने जितने वर्षों तक इनके जमीन का उपयोग किया है उसका किराया दिया जाए। इस गांव को ग्रामीण पर्यटन व होम स्टे बना दिया जाए। दूरसंचार व परिवहन की सुविधा दी जाए। साथ ही इन ग्रामीणों को भारत सरकार द्वारा लोगों को रोजगार दी जाए। मैं भवन सिंह राणा, ग्राम बगोरी, पूर्व प्रधान। हर साल की बात ही हम नीलंग जादुंग में देव पूजा के लिए जाते हैं और वहाँ सरकार द्वारा हमें परमिशन लेना पड़ता है और कई सदियों से हम वहाँ पर देव पूजा के लिए जाते हैं और हम चाहते हैं सरकार को इस परमिशन को हटाया जाए और इन्हें को हटाया जाए। साथ में इस जो परमिशन के लिए ग्राम प्रधान द्वारा इसे अनुमति दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, सभा बगोरी रहने वाला ग्राम सभा पूर्व नेलांग से हूँ और जिस तरह हम हर साल अपने माता की पूजा के लिए गांव के ग्राम देवता पंडव पुंडव सब की पूजा के लिए हर साल जाते हैं, तो उसी जाने के लिए भी हमें सरकार से बिना परमिशन के जाने का इजाजत होने चाहिए। इतना अधिकार हमारा ग्राम पंचायत वालों को, वहां के मूल निवासियों को कम से कम दिया जाए। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ अभी तक हमको जो है बिना परमिशन के जाने नहीं दिया जाता है। जी लाल।